हाँ जी, कौन सी देख रही हो, कौन सी ले रही हो? देख रही हूँ, देखो जरा भाई, तुम्हें पसंद आ रही है ना? ये है इयररिंग्स, झुमके, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका रमज़ान ठीक जा रहा है क्या? तो आज जो कि मैं सोच रही थी, जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो पहले हम लड़कियाँ सोचती हैं कि न्यू ड्रेसेस लेंगे, देन हम न्यू ड्रेसेस की शॉपिंग कर लेते हैं, देन फिर हम सोचते हैं कि साथ मैचिंग चूड़ियाँ, बैंगल्स, ज्वेलरी, मेकअप सामान और मेहंदी होनी चाहिए, सब कुछ। हाँ, क्या हो रहा है? भाई के साथ जाने लगी हूँ, किधर जाने लगी हूँ? तुम किधर जाने लगी हो? मैं तो बिजी हूँ, मैं मामा के साथ चली जाऊँगी। अच्छा जाओ फिर, रहने दो। आओ भाई, क्या ये देखो मेरी आइज़ ख़राब हुई हुई है, एलर्जी, और तुम खुद ही कहती हो एहतियात किया करो, और जब तुम्हारा दिल होता है घूमने फिरने का तुम चले जाते हो, उस टाइम तुम्हें अपनी एलर्जीज याद नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या क्या जॉगिंग कर रहे हो, छोड़ो। खैर, मैंने चूड़ियाँ लेनी है, कपड़े ले आई हूँ, मैंने चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, तो आज क्या 27th रमज़ान है, तो पहले ही ले लेते, और पहले कि पहले भी गए हैं और उस टाइम क्यों नहीं ली? पता है तुम्हें, आप सब कमेंट्स में लाजमी बताएं कि जब 15-20 रमज़ान होता है तो उससे पहले हम लोग कपड़ों की शॉपिंग कर रही होती हैं, और जब 20 रमज़ान के बाद जो है वो लड़कियों को फिर शौक चढ़ता है कि कपड़े आ चुके हैं तो उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी और सब कुछ, और नहीं जी सब जल्दी है, वो जल्दी जल्दी ले लेना चाहिए, ये क्या, और बिजी है, छोड़ो ये क्या। तुम मतलब हद होती है यार, तुम क्यों मार रही हो मुझे? तुमने सुबह मुझे इतने जोर से आज मारा था, नहीं तुमने तुमने गुस्सा किया था पहले? नहीं जी, पहले तुम गुस्सा कर रही थी इसीलिए, और जोर से चिल्ला रही थी, बिल्कुल चिल्लाए जा रही थी, ना करो यार, क्या तुम लगे हुए हो। चलो मैं क्यों जाऊं, मैं तो सोने लगा हूं। चलो भाई खुद जाओ बाइक चला के, तो तुम सिखा दो, मैं सीख लूंगी। तो बाइक मैंने पहले सिखा दिया था तुम्हें, तुमने मुझे कहाँ सिखाया है? तुम पीछे बाइक पे बैठती हो तो सीख लिया करो। चलो क्या, चलो चलो लगाई हुई है, ये लो टिश्यू, इसको मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्यों लूँ? ये तुम अपनी एलर्जीज के लिए लगाओ भाई टिश्यू, तुम खुद बनाओ चूड़ियाँ, बैंगल्स, तुम खुद क्यों नहीं बनाती हो? मैं क्यों बनाऊँ? तुम कहती हो मेरी स्किल्स है, इतना एक्सपीरियंस है। नहीं जी, वो तो IT का एक्सपीरियंस है ना, वो चूड़ियाँ बनाने का थोड़ी एक्सपीरियंस है, तो तुम जाओ खुद बनाओ अपनी ज्वेलरी, कस्टमाइज लो और बनाओ, क्यों कैसे, और ईद पे कपड़े नए पहने। आप लाजमी कमेंट्स में बताएं कि क्या लड़कियाँ लेती हैं चूड़ियाँ और सब कुछ, तो क्या हुआ? अच्छा खैर, कि लास्ट टाइम ये क्या करती होती थी, कपड़े ला के ईद वाले दिन पहनती नहीं थी, सेकंड डे पहने कभी कभी कब, तो अब अब 2022 है, अब डिफरेंट ईयर है, तो अब मेरी डिफरेंट थिंकिंग है। अच्छा भाई रहने दो, छोड़ो यार, और लेट करवा रहे हो, चलो ये यहाँ पे हम एक दूसरे की नकलें लगा रहे थे, ओफ यार क्या कहे बंदा अब। एनीवेज चलो, हसन जो है ना वो मेरी नकल लगा रहा है, बहुत तंग करता है मुझे, और बहुत शरारतें भी करता है, मजाक भी उड़ाता है, मुक्के भी मारता है। जब मैं छोटी थी ना उस टाइम उफ तौबा यार, इतने जोर से ये मुझे उंगलियां चबोता होता था, इतने जोर की। खैर मजाक कर रहे थे, चलो चले, नहीं मैं सोने लगा हूँ। अच्छा खैर क्या, मत भूलना, चलो बता दो, एक बात नहीं भूलनी, पूरी वीडियो देखनी है YouTube की, और क्या करना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है और लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे कि 29 के बाद ईद आ रही है, 30 रोज़े रखने हैं, ये 29 भी 30 रोज़े होने चाहिए। लास्ट टाइम भी इन्होंने जानबूझ के 29 रोज़े रख लिए थे कि जल्दी से कि हम 29 के बाद ईद कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हम इंशाल्लाह 30 रोज़े ही होंगे और इंशाल्लाह हम 30 ही रखेंगे। तो आप बताएं कमेंट्स में, 29 रोज़े होने जा रहे हैं या 30 रोज़े, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो चलें अब चलते हैं बाजार, क्या बाय बाय, चलो ओके। अच्छा ये है टेंच बाज़ार, जहाँ पे आपको अच्छी खासी हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी, और सस्ता तरीन बाज़ार है, और ये एशिया का दूसरा बड़ा लंबा तरीन बाज़ार भी कहा जाता है, तो तुम खुश हो यहाँ पे आके? चलो खैर,
क्या लेना है, क्या देख रही हूँ मैं, देखते हैं क्या लेना है। अच्छा, वो लड़की आ रही है बीच में, नहीं रहने तो छोड़ो। ये कैसी है, कोई और देखो। ये वाइट वाले, वाइट सिल्वर में देखो ना, सिल्वर में देखते हैं। अच्छा खैर, देख रही हो देख रही हो, क्या लेना है तुमने। ये देखो जरा भाई, आपको पसंद आ रही है ये ज्वेलरी, ये देख सकते हैं आप। इयररिंग्स डिफरेंट हैं, देखते हैं। बैंगल्स देखते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटी लगी हुई है। और मैं अपनी वाइफ के लिए भी लूँगा। तुम्हारी वाइफ किधर से आ गई बीच में, अभी नहीं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जाके ले लेना भाई, अभी संभाल के रखूँगा। अच्छा खैर, बाद में देखते हैं। या आप देख सकते हैं वैरायटी, ये लगी हुई है कुछ देखने करने। ये एक पूरा मार्केट है, यहाँ पे आपको काफ़ी मिलेगी। ये क्या, ये ब्रेसलेट्स हैं, ये इयररिंग्स लगे हुए हैं, लॉन्ग इयररिंग्स हैं, फिर ये भी इयररिंग्स हैं, ये पायल है। पायल, पहले मुझे बड़ा शौक होता था पायल पहनने का, यूज़ करती होती थी बट अब नहीं। और ये आप देख सकते हैं चूड़ियाँ, बैंगल्स बहुत अच्छी हैं। और ये बड़े बड़े झुमके, यू नो इतने फिट, मुझे तो झुमके बहुत पसंद हैवी झुमकास, आई लव दैट। और यू नो लहंगा या फ्रॉक के साथ अच्छे लगते हैं, देखते हैं अभी। तो ये देख सकते हैं आप, इंतहाई रश होता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कूसा देख रही है, कौन सा, नहीं वाइट कपड़ों के साथ तो मैं मल्टी कलर नहीं पहनूंगी। देख लो कोई और, सारे देख रहे हैं कि ये क्या साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। छोड़ो, हम दोनों डेफ हैं। हाँ नहीं, सब सब समझ रहे हैं शायद, दोनों डेफ हैं। ओके ये ले लो, ये वाला। हाँ ये अच्छा है, खोसों की वैरायटी आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमें एक मेट्रो मिली हुई है। चलो जी जल्दी करो, जल्दी से लेके आओ भाई। ये लेने हैं तुमने, वाइट देख रही हूँ मैं, वाइट कपड़ों के साथ। एक मिनट देखने दो, ये लूँ या नहीं। ये ठीक है, ये देखे थे मैंने, सही लगेंगे। देख लो कोई और, देख लो। फिफ्टी% ऑफ लगी हुई है यहाँ पे, देख लो। देखती हूँ, देखे जा रही हो, देखते हैं। ये थोड़े पतले हैं, लेकिन पतली मैं पहन नहीं सकती ना, मुझे पाँव में पेन होता है, यू नो थोड़ी सी हील होनी चाहिए। या ले लो जल्दी करो भाई, नहीं मुझे पाँव में पेन होगा। देखते हैं, पहले मैं देखूं ज़रा, जूते तो मुझे पसंद नहीं आए, लिपस्टिक चेक कर रही हूँ मैं। खैर उसके बाद हम लोग घर आ गए, और ये बैठी हुई है यहाँ पे मेरे बेड के ऊपर। सारी चीज़ें रखो भाई, अपने बड़े बेड पे जाके रखो चीज़ें, क्या हो गया, सब्र करो आराम करो। अगर मैंने रख दी हैं चीज़ें, देख रही थी भाई, क्या देख रही थी दोबारा, मैंने सोना है, उठो या यहाँ से। ये मैं लेके आई थी झुमकास, वाइट कपड़ों के साथ पहनूंगी। क्या मैं थका हुआ हूँ, कर लो बात जो भी बात करनी है। ये अच्छे लग रहे हैं, देखो जरा, ये देख सकते हैं आप इसके झुमके। तुम भी करवा लो पायरसिंग। जब मैं छोटा होता था, यू नो मैं तुम्हारे ये पहनता होता था, इयर रिंग्स याद है कान के पीछे से। ये है रिंग, है छोड़ो। ये CST से मैं लेके आई थी चीज़ें, यू नो 2 दिन पहले। तुमने जानबूझ के, तुम जल्दी चली गई, तुम गुस्सा कर रहे थे, तुमने कहा नहीं जाता, मैं साथ में मामा के साथ चली गई थी।
कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी, अब फिर दोबारा क्यों आज गई हूँ? तोबा यार, मतलब जा के चीज़ें लेके आनी है। खैर, ये मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स ली, ये हेयर कलर, रेवलॉन कलर करूँगी, हेयर कलर करूँगी, बाल वाइट हो गए हैं, बुरी हो गई है, ये हेयर कलर। अच्छा, खैर ये तुम्हारी आँखों की एलर्जी की करीम है, आई ऑइंटमेंट, ये मैं लगाऊंगा, ये भी लेके आए हैं। आई एलर्जी बहुत सख्त हुई हुई है, पहले काफ़ी ज़्यादा थी, मेरी खाला की बेटी को भी हुई हुई है और मुझे भी, और देखो भाई हम दोनों को, कल काफ़ी ज़्यादा थी बट आज कम हो गई है। जल्दी जल्दी हो, आगे ईद भी आ रही है, देखते हैं। ये है लिपस्टिक, ये वाला शेड लेके आई हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारी लिपस्टिक का। अच्छा एनीवेज, ब्लश ऑन, और बहुत सारी चीज़ें देख, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लाई हो, बस कंप्लीट, नहीं सब्र करो यार, जल्दी करो, क्या ढूंढ रही हो? ये देखो एक और झुमके, दो दो, उफ तोबा यार, एक वाइट कपड़ों के साथ पहनूंगी ना, एक ये गोल्डन है, मुझे वैसे भी झुमके बहुत पसंद है, ये छोटे वाले झुमकूस। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये ब्रेसलेट्स हैं जो मैंने CST से लिए थे, और दिखाती हूँ खुशे भी। क्या यार, खुशे क्या दिखाने हैं तुमने? ये वाले खुशे लिए थे मैंने व्हाइट कपड़ों के साथ पहनने के लिए। खैर बस कंप्लीट, हाँ बिल्कुल खत्म। खैर मैंने एक और भी शूज लेके रख दिए हैं, ईद पे दिखाऊंगी सबको। ओके बाय बाय, नहीं एक बात करनी है, नो सब सपोर्ट करिएगा हमारी वीलॉग्स को, और इंशाल्लाह अगली वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी बिल्कुल। एंड आपको पता है कि 29 रोजे होंगे या 30, या तुम तो बात कर चुके हो, दोबारा क्या पूछे जा रहे हो? दोबारा अगर कोई और देख रहा है आगे से वीडियो, तो लाजमी कमेंट्स में बताएं, बस करो बस करो बस करो। मेहंदी नहीं लाई? आ लेके आई थी, लेके आई थी, एक मिनट दिखाती हूँ, एक मिनट रुको ना, मेहंदी लेके आती हूँ, 1 मिनट। तो ये है मेहंदी, मेहंदी लगाऊंगी मैं। अच्छा खैर, यू नो मैं मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ, वाह क्या बात है, मैं आप सबको सिखाऊंगी। अगला वीलॉग जो है वो हम बनाएंगे, आप देखना चाहते हैं मेहंदी लगाते हुए तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको पसंद है कि मैं आपको वीलॉग में सिखाऊं मेहंदी का कोई भी डिज़ाइन, तो लाजमी कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो मेहंदी लगाने पे होगी। तो खैर चलो इंशाल्लाह देखते हैं, बस कंप्लीट। तो आप सबने कपड़े ले लिए क्या? और ज्वेलरी, झुमका, सब कुछ ले लिया? लाजमी कमेंट्स में बताएं, और वीडियो फुल देखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारे वीलॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं, और हमें किस टाइप की आगे वीडियोस बनानी चाहिए, लाजमी कमेंट्स में लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।